नमस्कार, स्वागत है आपका मोबाइल न्यूज 24 में। मैं हूँ स्वाति सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की तस्वीरें लगातार भयावह होती जा रही हैं। पुतिन की सेना ने करीब 3.5 महीने पहले यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया था। तब दुनिया के लोगों को लगा कि यह युद्ध 10 से 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा, परंतु आज इस युद्ध को करीब 4 महीने होने को, लेकिन युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। पश्चिमी दुनिया इसे रूस की घुसपैठ करार देते हुए अंजाम भुगतने की बात कह रही है, तो रूस का मानना है कि प्रतिबंध का खामियाजा दुनिया को भुगतना होगा। अब सवाल यह है कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस की अदावत की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने सेना को युद्ध का ऑर्डर दे दिया, दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े करने वाले विवाद की वजह समझ। रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का। बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोविच को देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी, रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। यहाँ आपको ये समझना है कि पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यहीं से डोनेट्स्क और लुहांस को तैनाती के बीच रूस ने अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी। यह वही इलाका है जहां पुतिन ने सैन्य एक्शन का ऑर्डर दिया। सवाल ये है कि 2014 में सुलग रहे विवाद अचानक जंग के शोलों में कैसे बदल गए? पिछले साल दिसंबर 2021 के मध्य में रूस ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी मांगों के बारे में बताया था। रूस पश्चिमी देशों से लिखित आश्वासन चाहता था कि नाटो के पूर्व की तरफ ना बढ़े। इसके अलावा रूस ने पोलैंड व बाल्टिक राज्यों से नाटो की सेनाओं को हटाने और यूरोप से अमेरिकी नाभिक के हथियार हटाने की मांग की थी। इन मांगों में सबसे अहम रहा कि यूक्रेन को कभी नाटो में शामिल होने की मंजूरी ना दी जाए। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। पिछली सदी के 90 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो का विस्तार पूर्व की तरफ हुआ और इससे वह भी देश शामिल हुए जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। रूस ने इसे खतरे के रूप में देखा। यूक्रेन अभी इसका हिस्सा तो नहीं, लेकिन यूक्रेन द्वारा नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जैसे हथियारों के हासिल करने से रूस सतर्क हो गया। पुतिन के मुताबिक नाटो रूस पर मिसाइल के हमले के लिए यूक्रेन का लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। नाटो की वेबसाइट पर टॉरिस पुजियो के लेख के मुताबिक मौजूदा संकट की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस वापस यूक्रेन को अपने प्रभाव में शामिल करना चाहता है। रूस की भौगोलिक स्थिति भी इस विवाद का एक कारण है। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन के पास काला सागर के पास अहम पोर्ट है और इसकी सीमा 4 नाटो देशों से मिलती है। यूरोप की जरूरत 1/3 नेचुरल गैस रूस सप्लाई करता है और एक प्रमुख पाइपलाइन यूरोप से होकर गुजरती है। ऐसे में यूक्रेन पर कब्जे से पाइपलाइन की सुरक्षा मजबूत होगी। यह युद्ध इतना लंबा चलेगा किसी ने नहीं सोचा। इस युद्ध के ना खत्म होने के पीछे एक वजह यह भी है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो यह युद्ध खत्म करना नहीं चाहते। वे सामने से आकर लड़ने की बजाय यूक्रेन को हथियार मुहैया कराकर यूक्रेन को और बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि रूस के लिए यह युद्ध अब नाक का सवाल बन गया है। हालांकि रूस चाहे तो वह युद्ध 2 से 4 दिनों में खत्म कर सकता है, पर रूस मानवीय दृष्टि से केवल यूक्रेन के सैनिक अड्डों को ही निशाना बना रहा है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का नुकसान यूरोपियन यूनियन को भी झेलना पड़ रहा है। ना केवल क्रूड ऑयल बल्कि खाने पीने के दामों में भी उछाल देखा जा रहा है। वहीं ब्रिटेन में महंगाई के कारण राजनीतिक उथल पुथल भी दिखने लगी। इस युद्ध का बुरा असर न केवल रूस यूक्रेन बल्कि पूरे विश्व पर पड़ रहा है। इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, लेकिन होगा क्या
ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए ताकि आप और आपके दोस्त रह सके देश और दुनिया की खबरों से अपडेट। नमस्कार।